गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फेस स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मतलब इसके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी और जो जिन लोगों का आरआरबी जी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जैसे जून का, उसके लिए भी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम के लिए हम देखने वाले इसमें क्वेश्चन। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से मैं बोलूँगा, जितने जल्दी स्टूडेंट्स आएंगे उतने लिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं भाई इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स सभी से मैं कहूँगा कि भाई जल्दी से लाइव हो जाइएगा। वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है और ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन आपको बताने हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, आंसर दीजिए क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो सही नहीं है आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, कौन सा गलत है ये बताइएगा। चलिए, सभी लोग आंसर देंगे भाई, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे तभी यहाँ पर वीडियो थोड़ा होगा, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टाइम रहता है 5:30 का, लेकिन वीडियो बना दी मैंने अभी 4:20 बजे। बिल्कुल राजेश जी, ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड इवनिंग भाई। चलिए, 5 बजे का टाइम रहता हमारा, लेकिन सॉरी 5:30 का टाइम रहता, लेकिन 5वीं वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर रहेगा आर्य समाज की स्थापना जो थी 1867 में लाहौर में नहीं हुई थी, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा भी आंसर रह सकते हैं। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर देंगे क्या होने वाला है। फ्रेंड्स कमेंट करिए और क्या रहेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के टाइमिंग्स दी हुई हैं, सारी के सारी लाइव टाइमिंग है। ऑप्शन आ गया राजेश जी ऑनलाइन, ओके ऑप्शन बी आ गया, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केशव चंद्र और आत्माराम पांडुरंग। देखिए, आत्माराम पांडुरंग का नाम बहुत बार आता है, केशव चंद्र सेन का नहीं आता, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन डी। बिल्कुल चिंटू जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर ये रहा, निम्नलिखित में से आपको सही ढंग से मेल कौन सा खाता है, मतलब सही कौन सा है, गलत 3 है, 1 सही है, तो आंसर बताइएगा क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। था सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या रहेगा, कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, ओके। और अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का बहुत ही जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बता दूँ मैं आपको, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम, जुलाई के लास्ट में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, अभी स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, जुलाई के स्टार्टिंग में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, राजेश जी ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम जो हुआ वो 1955 में हुआ, ये सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पर 3 सही है, यानी कि 3 हमें क्वेश्चन सही पढ़ने के लिए मिलेंगे, बाकी ये गलत रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, तो बाकी फ्रेंड्स बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, एक क्वेश्चन से 3-3-4 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेकिन मैंने आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है कितनी स्लाइड पढ़ा दी थी भाई, 130 स्लाइड करा दी थी। हमारे पास कितनी स्लाइड हैं, 621 स्लाइड्स हैं, लगभग 621 क्वेश्चन हैं, तो आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड क्या रहने वाला है। ओके, चलिए आंसर कमेंट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ये रहेगा बिल्कुल गलत। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में लंदन में नहीं हुई थी, ये गलत बताया गया हमें। चलिए बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, इनको पढ़िएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए फ्रेंड क्या रहेगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए राजेश जी, चिंटू जी आंसर कमेंट करेंगे, 4 स्टूडेंट देख रहे हैं, मात्र 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, तो फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं चलिए कमेंट करिएगा क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा भैया, राजा राम मोहन राय, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा 1, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1913 में एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट कौन, जिसने पहली, जो पहली महिला बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पहली महिला, ठीक है। ऑप्शन आ गया संजीव जी ऑप्शन 1, वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन बना, मैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज हाई स्कूल की स्थापना करी, कहाँ पर करी, एनी बेसेंट ने जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की हाई स्कूल की स्थापना कहाँ पर करी, आंसर कमेंट करिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रिसेंट से जो भी जुड़े हुए क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्येंद्र जी ऑप्शन 4, संजीव जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, सतेंद्र जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा 4, सतेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल 4 रहेगा। यहाँ पर रहेगा बनारस, क्या रहेगा वो, ये सन 1915 से 16 में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं के द्वारा बनारस हिंदू को, हिंदू स्कूल को जो बनारस हिंदू महाविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद जरूर करिएगा। ओके ऑप्शन 4 राजेश जी बिल्कुल सही, इसका भी 4 आया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनी विसेंट इंग्लैंड में का समर्थन करने वाली पहली महिला थी। आपको बताना है एनी विसेंट जो है कहाँ का, किस चीज़ की समर्थन करने वाली महिला थी, आंसर कमेंट करना है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या रहेगा, जन्म नियंत्रण करने के लिए वो समर्थन करती थी, ठीक है, साक्षरता के लिए, समाजवादी उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए, धर्म सुधारक थी। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, राजेश जी ऑप्शन 4 आ रहा है, एनी वन को ये आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर देंगे भाई, यहाँ पर रहेगा 1, ये क्या थी, जन्म नियंत्रक के रूप में जो है समर्थन करती थी, ऑप्शन रहेगा 1, यहाँ पर बर्थ कंट्रोल पर ज़्यादातर ध्यान देती थी, ऑप्शन रहेगा 1 भाई, 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, एनी विसेंट को किस लिए जाना जाता है, एनी विसेंट को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, महिला अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में, थियोसोफिस्ट के रूप में, लेखक के रूप में, या ये सभी थे वो, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनी विसेंट, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला रह चुकी हैं और इन्होंने ऐसे कई काम करे जो हमारे आधुनिक इतिहास में एक पढ़ने योग्य हैं, ठीक है। राजेश जी ऑप्शन 4, ओके चिंटू जी ऑप्शन 4, ये सभी बोल रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही है। तो एनी विसेंट जो है एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिक्ट महिला अधिकारी कार्यकर्ता लेखक वक्ता ये सारे के सारे थी, ठीक है, ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ एव। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर ये रहा ऑप्शन, एम जी रानाडे, क्या पूछा है, एम जी रानाडे, आर जी भंडाकर और एन जी चंदावाकर निम्नलिखित प्रमुख नेता थे, ये किस समाज के लिए जो नेता थे, आंसर कमेंट करना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा। फ्रेंड थोड़ा जलेली क्वेश्चन को कमेंट करिए, यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ पर हमें इस टाइम है मात्र 6 बजे तक का, ठीक है, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, कमेंट करिएगा। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये प्रार्थना समाज के तीनों के तीनों किसके, प्रार्थना समाज के समर्थक हैं, प्रमुख नेता थे, चलिए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये राशि टू ही बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना करी, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, ओके 24 का सी था, सत्येंद्र जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या रहेगा, संदीप जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा 1, क्या रहेगा भैया, 1 रहेगा, ऑप्शन रहेगा 1, ठीक है, क्या रहने वाला है, 1 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से सही कौन सा सही है, मतलब कि इसमें से गलत ढूंढना है आपको, बताना है कि गलत क्या है, ओके चलिए बताइएगा, अगर सभी के सभी करेक्ट हैं तो ऑप्शन 4 करिए, अगर सभी गलत हैं तो यहाँ पर ऑप्शन कोई एक आध गलत है, एक या दो गलत हैं तो मुझे बताइए, कमेंट करिए क्या रहेगा, 1, 2, 3 में आंसर करेंगे सरजीत जी, राजीव जी, चिंटू जी, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करें भाई क्या रहेगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, से शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा, ऑप्शन कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि सारे के सारे चारों के चारों क्वेश्चन, चारों के ऑप्शन पढ़िए, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, चलिए इनको ऐसे पढ़ेंगे तो हमें जल्दी ही पढ़ने के लिए मिलेगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है, आपको यहाँ पर 3 सही हैं, 1 गलत है, मतलब फिर से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, चलिए आंसर दिए बिल्कुल सही चिंटू जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मिला है क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों क्वेश्चन सही हैं तो उसका एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्या होगा वो आगे आपके एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए काम में आएगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी फ्लाइट को पढ़ लेंगे तो हो सकता है जो आप उसको ना पढ़ पाएँ। चलिए कमेंट करिए क्या रह सकता है, कमेंट करिए, सदन जी आंसर दीजिए, चिंटू जी आंसर दीजिए, कमेंट करिए, सदन जी का ऑप्शन 4 वेरी भी आ गया है, गलत कौन सा हमें ढूंढना है, 3 आंसर सही है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही हैं, तीनों कैसे हैं, सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने करी, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने करी, शुद्धि मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स क्या होने वाला है, सभी लोग आंसर देंगे भाई, बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं आज, ठीक है, चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा, चिंटू जी ऑप्शन 3 वेरी गुड, राजेश जी ऑप्शन 4, सत्येंद्र जी ऑप्शन 4, लेकिन आएगा ऑप्शन 1, क्या आएगा भैया, किसने शुरू करी, आर्य समाज ने,
किसने करी? आर्य समाज ने शुरू करी, ऑप्शन रहेगा वन, भाई वन रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, बाबा अम्बेडकर जो बाबा आमटे सॉरी बाबा आमटे निम्नलिखित में से किस समाजवाद सामाजिक कार्य कार्य के लिए जाने जाते हैं? बाबा आमटे की बात हो रही है, बाबा आमटे जो हैं किस जो है सामाजिक कार्य कार्य के लिए जाने जाते हैं? आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। चलिए देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन करेगा। चिंटू जी, सदन जी, चलिए आंसर दीजिए। राजेश जी, चलिए कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले इस वीडियो में, चलिए आंसर दीजिए। आगे भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या रहेगा भैया किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सी, चिंटू जी बिल्कुल सही, कुष्ठ रोगी के लिए कार्य करना, ठीक है, कुष्ठ रोगियों का कार्य करते थे, बिल्कुल बाबा आमटे बिल्कुल ऑप्शन रहेगा थर्ड भाई। सत्यन जी ऑप्शन वन नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, स्वामी सहजानंद सरस्वती के पहले अध्यक्ष थे, तो बताना है स्वामी सहजानंद जो थे किस जो महासभा के पहले अध्यक्ष थे? आंसर कमेंट करिएगा क्या होने वाला है। आपको अखिल भारतीय, अखिल भारतीय तो दिख रहा होगा, लेकिन हिंदू एकता और किसान और मजदूर, तो ये ऑप्शन पहले पढ़िए और आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं हैं। आंसर कमेंट करिएगा क्या होने वाला है, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगेगा जरूर, लेकिन फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है जो आपके, चलिए आंसर दीजिएगा। आपको इसी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, बता दूं मैं आपको, वही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आने का चांसेस है। ओके चिंटू जी ऑप्शन वन वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, लेकिन क्या आएगा भैया? थर्ड आएगा वो किसके अध्यक्ष थे पहले से? भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन जो हुआ था 1936 में लखनऊ में हुआ था, ये इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सत्यन जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन आपके लिए कुछ अलग से हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया? ये किसने किया? अब आपको ये पता होगा पंज तीर्थ कहाँ पर है, तो ये आपको पता होगा, कमेंट करिए क्या रहेगा। चलिए देखते हैं किसका किसका जनरल अवेयरनेस अच्छा है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या होने वाला है। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पर आंसर होगा पाकिस्तान। क्या है भैया? पंज जो है तीर्थ कहाँ पर है? हिंदू धार्मिक पंज तीर्थ है वो कर दिया है घोषित, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया, ऑप्शन रहेगा वन। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आपके सामने, किस देश की सेना ने अपने सशस्त्र गान क्या सशस्त्र गान में स्वदेशी रूप से एक एक इस रूप से विकसित A-100 क्या है A-100 रॉकेट को शामिल किया है, यानी कि जिसकी क्षमता है 100 किलोमीटर की क्षमता है उसके? आंसर दीजिए, 100 किलोमीटर तक जा सकता है, आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और फ्रेंड देखिए आपको पता है कि देखिए जो रावण नाम का है वो जो कि श्रीलंका का जो जो मिसाइल थी वो आ चुकी है, ठीक है, और अमेरिका की पहली मिसाइल थी उसका बारे में भी आ चुका है, यानी SSC GL में पूछा है आपसे, इंडिया आ रहा है यहाँ पर, लेकिन रहेगा ऑप्शन नंबर 5 पाकिस्तान रहेगा भाई, क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस शहर में गुजरात को अपना पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स मिलेगा, जिसमें जिसे 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने करके स्थापित किया जाएगा? चलिए कमेंट करिए ये कहाँ पर बना, एम्स जो है गुजरात के किस शहर में बनाया जाएगा, कमेंट करिए क्या रहेगा। देखते हैं किसका पहले क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा, अगर 2019 का पढ़ा है तो फ्रेंड ये एग्जाम में आने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। और कल भी आपको एक वीडियो रहेगी जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों मिक्स रहेंगे। ओके यहाँ पर सदन जी ऑप्शन वन आ रहा है, चिंटू जी वन, सदन जी बिल्कुल अहमदाबाद बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 5 राजकोट, कहाँ पे बनेगा भैया? राजकोट में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस मतलब कौन से नंबर का राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। 2019 के लिए एग्जाम्स में अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, चलिए कमेंट करिए। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये 80 नंबर का राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुआ है कटक में, कहाँ पर हुआ? कटक में भी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। आप ये पता करिए कि इंडोर आउटडोर क्या है, बहुत ही एग्जाम में एक दो बार आया हुआ इंडोर आउटडोर क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन 4 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रगति मैदान में
ठीक है, कौन से नंबर की नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला उद्घाटन किया है, कमेंट करिए क्या रहेगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करेंगे जिस सबसे पहले किसका आता देखते हैं भाई। और फ्रेंड थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा, देखते हैं किसका आंसर आता है, चलिए कमेंट करिएगा भाई। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 27 नंबर व दिल्ली विश्व पुस्तक मेला था जिसका उद्घाटन किया किसने भैया, प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बढ़िया, 27 नंबर का था, बिल्कुल सही है भाई, 28 नहीं है 27 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सतीन जी, बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सियांग जिले ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हासिल किया है, यह राज्य किस जिले में, आपको बताने सियांग जिला कहाँ पर, आंसर कमेंट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि आपसे पूछा गया था एक बार कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो 100% विद्युतीकरण हो चुका है, और वो है हरियाणा। ओके, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए कि अब ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, जब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं वैसा फैक्ट बन जाते हैं तो ये 100% आते हैं, चलिए कमेंट करिएगा। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5, ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला रहेगा सियांग, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा 5 यहाँ पर सतेन जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस शहर में, ओके सतेन जी चलिए, किस शहर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव जो हैं अमित खरे ने सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भारतीय पैरानोमा फिल्म समारोह का उद्घाटन किया, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या रहेगा। फ्रेंड्स मुंबई में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, ठीक है, ये भारत का कहा जाए तो, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं किस किस का आंसर सही सही आता है, कमेंट करिए भाई। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ये कहां पर किया गया भैया, नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन रहेगा 1 मुंबई नहीं रहेगा, मुंबई में मैंने ये बोला कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है ये वाला है, ये नहीं बोला है, ऑप्शन रहेगा 1 नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने में उनकी विफलता के लिए 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, भैया विफल हुए हैं ये, ठीक है, मतलब कोयला का जो कोयला जो है उनका, मतलब कोयला का खनन हो रहा था, ठीक, कोयला खनन हुआ लेकिन जो खनन होने का उनके पास जुर्माना कर दिया गया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ का जुर्माना है वो किस कहां पर किसको किया गया, मिजोरम महाराष्ट्र मेघालय मणिपुर या नागालैंड, किस पर किया गया, करिए कमेंट, राज्य सरकार ने किया आंसर कमेंट करिए। यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मेघालय ने ऐसा किया है, कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा क्या रहेगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए चिंटू जी सतेन जी आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या रहेगा, सतेन जी बिल्कुल एक बार आंसर कमेंट करिए, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 4 जनवरी, क्या रहेगा भैया, 4 जनवरी रहेगा, क्या रहेगा भाई, 4 जनवरी, बिल्कुल सही चिंटू जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिन जी पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन 2 था, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और सिंपल भी है, चलिए आंसर दीजिएगा कहाँ पर है वीर सावरकर हवाई अड्डा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, पोर्ट ब्लेयर में, भैया कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है, ऑप्शन 4 चिंटू जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा देखिए किसको, दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पुरस्कार जो है या फिर रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष जो है चुना गया, आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा, दूसरी बार किसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या रहने वाला है, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले, चलिए कमेंट करिएगा। और 15 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर अभी तक के अच्छे लगे आपको क्वेश्चन तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में। ओके चिंटू जी बोल रहे हैं, यहाँ पर आएगा पद्मश्री विरियर, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा भैया नैन्सी पेलोसी, इनको बोलेंगे नैन्सी पेलोसी, किन को बनाएगा, नैन्सी पेलोसी को बनाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रात थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको ये बताना है, देखिए
यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा राज्य एशिया प्रतिस्पर्धा प्रति प्रतिस्पर्धात्मक का, ठीक है, थोड़ा सा अलग हमला, थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा, ठीक है, स्थान पर MCI सिंगापुर के 2018 इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि EDB इंडेक्स ABC रैंकिंग में भारत 21वें राज्य के अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष के रूप में उभरा है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली क्रमशः कौन से नंबर पर, क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो ये बताना आपको कौन सा राज्य है एशिया का, चलिए कमेंट करिएगा क्या रहेगा। यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, भैया क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, थोड़ा सा जो है बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने गोदावरी नदी पर पोलावरम, क्या पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड यानी कि CBIP पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है, आंसर कमेंट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर देंगे सभी लोग, आंसर बताइए भाई क्या होगा, सभी लोग आंसर देंगे भाई क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर देंगे भाई क्या होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा 1, किसने जीता भाई, आंध्र प्रदेश ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने पोंगल त्यौहार के अवसर पर सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये प्रदान करने का योजना शुरू की है। चलिए आंसर दीजिएगा, ऐसा कौन सा राज्य इसमें पोंगल त्यौहार के अवसर पर सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये प्रदान करने का जो है योजना शुरू करिए, आंसर कमेंट करिएगा, देखते किसका आंसर आता है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किन कौन आंसर कमेंट करता है भाई। मात्र एक स्टूडेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं तब भी ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, रेगुलर रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है देखिए, ओके अमित जागर, ओके ऑप्शन 4 आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा तमिलनाडु, वही क्या रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस शहर ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा आपके। चलिए आंसर दीजिएगा, किस शहर ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की जो है मेजबानी करी है, आंसर कमेंट करेंगे, आप आंसर बताएंगे क्या होगा, चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे फ्रेंड्स क्या रहेगा, आंसर दीजिएगा, चलिए सभी लोग आंसर देंगे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अमित जी आंसर दीजिए, चिंटू जी आंसर दीजिए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा बड़ोदरा, क्या आएगा भैया, 5 आएगा बड़ोदरा आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है वेल्स वेस्टले, क्या पूछा है, वेल्सले क्रिप्नो ने 8वीं बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन यानी कि BIM जीत ली है, वह किस देश के हैं, तो वेल्स से क्रिपोनो जो है वह किस देश से, आपको आंसर बताना है, जिसने 8वीं बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जीत ली है, आंसर कमेंट करिएगा क्या होने वाला। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा, आंसर दीजिएगा मुझे, चलिए आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, ओके देखते किस किस का आंसर आता है, पहले आंसर कमेंट करिएगा भाई क्या रहेगा, ओके यहाँ पर आंसर रहेगा किसने थी भाई, ऑप्शन आया केन्या, किसने कहाँ के हैं भैया, केन्या के हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सा देश AFC क्या बोला, AFC यानी कि एडिटिंग ऑफ द सॉरी KFC यानी कि ओके AFC आ रहा है, AFC यानी कि एशियन कप, ठीक है, एशियन कप के 17वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा, देखते किसका आंसर पहले आता है, यहाँ पर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन 5 आएगा, ये UAE कर रहा है भाई, कौन कर रहा है इसका मेजबानी, UAE कर रहा है, होस्ट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधित विधेयक को मंजूरी दी है, तो आंसर बताना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, चलिए कमेंट करिएगा क्या रहेगा, कितने प्रतिशत जो है आरक्षण दिया है, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये दिया है, आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा 4, क्या रहेगा, 10%, कितना भैया, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू किया गया, ये एक ऐसा शहर है यहाँ पर जो है जो
गुजरात का शहर है, तो इनमें से गुजरात का शहर कौन सा, ये आपको अगर पता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या रहेगा। देखते हैं किसका क्वेश्चन का आंसर आता है, यहाँ पर आएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि ISC 2019 का कौन सा संस्करण जलंधर में आयोजित हुआ, तो कौन सा संस्करण जो है जलंधर में आयोजित हुआ, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। देखते हैं किसका क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट करिए यहाँ पर, आंसर करिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा फ्रेंड क्या रहेगा। देखते हैं किस किस का आंसर आएगा, ओके स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट अभी लाइव है वो मुझे हाई लोगों के अगर बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं दिखता है कि कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बस एक ही दिख रहा है, ओके मतलब एक ही दिखाई दे रहा है, सॉरी, ओके जल्दी आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ट्राई करिए, एटलीस्ट अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, चलिए आप ट्राई करेंगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, आंसर कमेंट करिए भाई क्या होगा, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 106 नंबर वाला, क्या है 106 नंबर का संस्करण था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, ठीक है 2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, किसने जलंधर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, किसने जो है महिला किस महिला ने जो है महिला विज्ञान कांग्रेस का जो है जलंधर में जो उद्घाटन कराया, कमेंट करिए क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या रहेगा। देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, चलिए आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आएगा स्मृति ईरानी, क्या आएगा भाई, ऑप्शन आएगा स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे, किसने जलंधर में 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान संचारकों की बैठक का उद्घाटन किया, कमेंट करिएगा क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, कमेंट करिए। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 1 रविशंकर प्रसाद, किसने करे वही उद्घाटन, रविशंकर प्रसाद ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि इसको बोले NCR ने 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के दौरान, आपको पता है 15 जनवरी से कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, इसको अर्ध कुंभ बोला गया, ठीक है, दौरान प्रयागराज शहर में लोगों की मदद के लिए रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया, उत्तर मध्य रेलवे यानी का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना है उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR का जो है मुख्यालय कहाँ है, आंसर कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी लोग कमेंट करिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5 रहेगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, क्या रहेगा भैया इलाहाबाद रहेगा इसका सेंट्रल जोन, क्या रहेगा भैया मुख्यालय क्या रहेगा इलाहाबाद रहेगा यानी प्रयागराज रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, केंद्र ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है यानी कि 3 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की बात करें, RRB के विलय को 1 जनवरी से प्रभावी किया है, निम्नलिखित में से उस सूची में कौन सा नहीं है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा, चलिए देखते हैं किस किस का आंसर आता है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या रहेगा 4 रहेगा नन ऑफ दीस यानी कि सारे के सारे, तीनों के चार सारे के सारे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसने 2017-2018 के लिए
असाधारण उपलब्धियों के लिए नई दिल्ली में एक समारोह में 97 आंगनबाड़ी जो होती हैं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए कमेंट करेंगे क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। करिए कमेंट और बताइए, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या रहेगा। यहाँ पर आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन वन रहेगा मेनका गांधी। क्या रहेगा भैया, मेनका गांधी रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, आपको दो देशों के नाम बताने, ठीक है, से नोबल पुरस्कार विजेता अबराम इशरको और किसके एंड डक्कन एम होल्डन ने जलंधर के चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। चलिए कमेंट करिए, ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। सबसे पहले ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके दीनानाथ जी, चलिए आंसर कमेंट करिए, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा वन, क्या रहेगा इसराइल और यूएसए, क्या रहेगा इसराइल और यूएसए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, देखिए ये पूछ रहा है हमसे, किसने पुणे में टाटा ओपन महाराष्ट्र में पहली बार ATP टूर टेनिस खिताब जीता है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं किस किस का आंसर से पहला आता, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन, करिए आंसर दीजिए, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। ओके सुमित जी ऑप्शन आ गया वन, वेरी गुड सुमित जी, एनी वन, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन फाइव, भाई क्या आएगा, फाइव आएगा रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, ऑप्शन आएगा फाइव। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, रानी, ठीक है रानी जो है वो कहाँ से, मतलब किस प्रदेश के, मैं सीनियर राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। चलिए आंसर कमेंट करेंगे भाई, ये आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है, चलिए आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिएगा। पूरी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, चलिए आंसर दीजिएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। यहाँ पर आंसर आएगा ओके दिवाकर जी ऑप्शन आएगा हिसार, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा भाई, क्या आएगा विशाखापट्टनम, क्या आएगा भैया विशाखापट्टनम आएगा, ऑप्शन आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि इसको बोलेंगे CSO द्वारा जारी 2018-2019 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2017 में 6.7% की वृद्धि दर की तुलना में 18-19 के दौरान GDP में वृद्धि की अनुमानित कितना करा गया। चलिए आंसर दीजिए, अभी GDP जो है 18-19 की कितनी अनुमानित करी गई, आंसर कमेंट करेंगे। ओके सुमित जी बहुत अच्छे, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फोर रहेगा, बिल्कुल सही है 7.2, बिल्कुल सही सुमित जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे ओके, क्या है हरिवंशम नामक ठीक है पुरस्कार के लिए पार्श्व गायक पी सुनील को चुना गया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। आपको आंसर बताना है हरिवंश नाम का पुरस्कार है वो किस राज्य द्वारा जो है दिया जाता है। दिवाकर जी ऑप्शन आएगा वन MP, वेरी गुड दिवाकर जी, यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा लेकिन यहाँ पर थर्ड आएगा केरल के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है, केरल के द्वारा। अगर आप एटलीस्ट अगर आंसर कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है बिल्कुल थर्ड है, बिल्कुल सुमित जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नौसेना रणनीति के रूप में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट विलियर से 100 मील उत्तर में एक नया एयरवेज का संचालन करेगा, ठीक है अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिए केरल, बिल्कुल सही दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, करेगा बेस INS कोहाशा 24 जनवरी को द्वारा कमीशन किया गया, मतलब किसके द्वारा है कमीशन किया गया ये आपको बताने हैं, क्या है भैया INS कोहासा है, चलिए बताइएगा किसके द्वारा ये कमीशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। सुमित जी ऑप्शन फाइव आ गया, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फाइव सुनील लामा, बिल्कुल सही भाई सुमित जी बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड कार्यालय का शपथ जो है ली है, तो आंसर कमेंट करिएगा फाइव, बिल्कुल दिवाकर जी। चलिए आंसर देना है आपको, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वो
कौन सी प्रधानमंत्री यहाँ से कमेंट करिएगा, दूसरे नंबर के, तीसरे, चौथे, पांचवें, किस नंबर की आंसर दीजिएगा आप कमेंट करेंगे, रिकॉर्ड कायम कराए, चलिए आंसर दीजिएगा यहाँ पर। अगर सेकंड आ गया बहुत अच्छे, एनी वन, कोई और कमेंट करेगा यहाँ पर, क्या हो सकता है कोई और आंसर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फोर्थ, चौथे नंबर की है, इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया चौथी बार, ठीक है, रिकॉर्ड कायम किया है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे ये। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए सुमित जी आंसर फोर्थ नंबर के बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस बैंक की अफोर्डेबल, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस शाखा गृह फाइनेंस का विलय बंधन बैंक के, बंधन बैंक में किया गया है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा, तब भी ऐसा मर्ज करने का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम में करंट अफेयर में से मैं पूछा जाता है, तो आंसर कमेंट करिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ मर्ज हो रही है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है तो आंसर क्वेश्चन आता है हमारे लिए। सुमित जी ऑप्शन फाइव आ गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन फोर, HDFC हाउसिंग जो है फाइनेंस यहाँ पर मर्ज हो गया है बंधन बैंक में, चलिए HDFC बिल्कुल सही है दिवाकर जी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने देश छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रस्थान कर लगाना शुरू कर दिया, ये इसका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आपने देखा होगा टीवी पर दो तीन दिन पहले न्यूज़ पर आया था कि देखिए एक कोई देश है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, कोई एक देश है, इस पर कोई बंदा जो है अगर भारत बाहर जाता है, फॉरेन जाता है, तो उस पर लिविंग जो है टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है, लिविंग टैक्स लगा दिया जाता है, तो चलिए आंसर दीजिएगा ये कौन सा देश है, और रशिया आ रहा है, दिवाकर जी बोल रहे रशिया आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एग्जाम में आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर वन, जापान रहेगा, क्या रहेगा भैया, जापान रहेगा, रशिया नहीं रहेगा चिंटू जी, यहाँ पर जापान रहेगा भैया, क्या रहेगा, जापान रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सुमित जी बिल्कुल, मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुए हैं, जो शीर्ष IMF द्वारा IMF पद पर नियुक्त होने वाले पहली महिला बन गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे लिए, कोई पहली महिला या पहला कुछ भी होता है तो ये आता है एग्जाम में, चलिए कमेंट करेगा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट IMF पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला बन गई हैं, कौन है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू, बिल्कुल दिवाकर जी ऑप्शन फोर आ रहा है, बहुत अच्छे सुमित जी आंसर आ रहा है वन, चिंटू जी ऑप्शन करिए, ओके ऑप्शन आ रहा शर्मा, ओके यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन, गीता गोपीनाथ, क्या रहेगा भैया, गीता गोपीनाथ रहेगा, शर्मा नहीं रहेगा, मंजू शर्मा नहीं है यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, गीता गोपीनाथ पहली IMF पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गीता बिल्कुल सही, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दिवाकर जी, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कुमार राजेश चंद्र को सशस्त्र सीमा बल, यानी कि इसको बोलेंगे SSB, क्या बोलेंगे, SSB सशस्त्र सीमा बल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, के महानिदेशक, यानी कि महानिदेशक, कई बार पूछा जाता है महानिदेशक, हम भूल जाते हैं भाई महानिदेशक होता क्या है, डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, सशस्त्र बल SSB का मुख्यालय का है, SSB का मुख्यालय का, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन उसने बता दी है, तीसरी इन्फॉर्मेशन पूछिए, मतलब दो इन्फॉर्मेशन हमारे हमको दी गई और तीसरी पूछी गई है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको ये पूछा जाएगा SSB का मुख्यालय कहाँ, ठीक है, कभी यहाँ पर ये पूछा जा सकता है SSB के जो है अभी DG कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा क्या रहेगा भैया, फोर रहेगा, ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन रहेगा फोर, चलिए अगला क्वेश्चन है, सब क्या है, सभ्य सांची, क्या पूछा है, सभ्य सांची, ओके न्यू दिल्ली बिल्कुल सही है, सभ्य सांची भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थी, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या एक्चुअल में करते क्या थे, पोएट थे, एथलेटिक्स थे, क्रिकेटर थे, पॉलिटिशियन थे या इतिहासकार थे, चलिए देखते हैं किसका आंसर से पहले आता है, चलिए कमेंट करिएगा आंसर दीजिएगा, फ्रेंड अभी तक की आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा, ठीक है, ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, ओके ऑप्शन आ गया पोइट, वेरी गुड दिवाकर जी, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा यहाँ पर, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फाइव, ये क्या थे, इतिहासकार थे भैया, सभ्य सांची भट्टाचार्य क्या थे, एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, फ्रेंड ये मत सोचेगा हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है, देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हमने नहीं पढ़ा है या फिर हमने एकाध बार पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जो हमें याद नहीं रहते, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक हाउसिंग, यानी कि इसका फुट जो है शॉर्ट फॉर्म है GJC, रत्न और आभूषण उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष स्थान में जो है किस लग ने जो संदान को किस स्थान किसने लिया और इसके अध्यक्ष
के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। चलिए बताइए इसके अध्यक्ष कौन है, जीसीजी के, और उपाध्यक्ष कौन है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन करेगा आंसर। चलिए कमेंट करिए, दोनों पूछ लिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, चलिए देखते हैं कौन आंसर करेगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि अध्यक्ष के रूप में अनंत पद्मनाभन, ठीक है, ये, और उपाध्यक्ष हैं शंकर सेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व, बिल्कुल दिवाकर जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में सुधार के तरीके सुझाने के लिए 5 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, ठीक है, इस समिति के प्रमुख कौन है। चलिए बताइएगा समिति के मुख्य है या हेड कौन है, आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए कमेंट करेंगे फ्रेंड, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या होगा, आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किसका आंसर आएगा। और फ्रेंड थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, क्या करना भाई, थोड़ा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इससे अच्छे भी क्वेश्चन अभी आने वाले बाकी हैं, अभी तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, अभी 10-15 मिनट के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसका आंसर ऑप्शन आएगा नंदन नीले कणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण शुरू किया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। खेलो इंडिया के बारे में आप टीवी पर देखते होंगे, समाचार में आता है इसके बारे में, कई बार आपसे पूछा भी जाता, दिवाकर जी 1 आ गया है, बहुत अच्छे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 5, लेकिन पुणे में, कहाँ पर खेला गया भैया, पुणे में इसका संस्करण किया गया, कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुणे बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन है, कौन से देश 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशन की मेजबानी करेगा, 2019 के अफ्रीका कप ऑफ नेशन की मेजबानी कौन करेगा, आंसर दीजिएगा, आप कमेंट करिए क्या रहेगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा भाई, बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक करा है, और यहाँ पर आपको बता दूँ थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, क्या रहेगा, इजिप्ट, क्या रहेगा, मिस्र, भैया आंसर रहेगा इजिप्ट या फिर मिस्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, रायसीना डॉयलॉग, क्या रायसीना डॉयलॉग का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है, चलिए आंसर दीजिएगा। ओके, मात्र 2 स्टूडेंट देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, चौथा, कौन सा जो संस्करण था भैया, चौथा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का गठन किया है, इस बेंच की अध्यक्ष कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बेंच की अध्यक्ष कौन है। फ्रेंड ये एग्जाम में मेरे हिसाब से 100% आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है अब एग्जाम की दृष्टि से, या फिर बोले हमारे जो राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके हेड कौन है, रंजन गोगोई आ रहा है, बहुत अच्छे। एनीवन, देखिए मैं आप सभी को टाइम दूंगा, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, 3 के 3 स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप मुझे आंसर कमेंट करिए क्या रहने वाला है, चलिए आंसर दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रंजन गोगोई, बिल्कुल सही दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लोकसभा ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए कौन सा नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 10% आरक्षण दिया है, पता है सामान्य श्रेणी के जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको लोकसभा ने, यानी कि केंद्र सरकार ने जो है इनको जो है आरक्षण दिया हुआ है। चलिए, और 2019 का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा। ओके, 124वां, ओके, वेरी गुड दिवाकर जी। एनीवन, कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर रहेगा 4th नंबर, 124 नंबर वाला जो अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा, बताइए, चलिए आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा।
देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ओके दिवाकर जी ऑप्शन आएगा 7.2, यहाँ पर आएगा 7.3, 0.1% कम, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आएगा 7.3%, मान लीजिए ऑप्शन आएगा 7.3%। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो लगभग कितनी दर्शाई गई है। चलिए पांडे जी चलिए आंसर दीजिए। हमने आज वीडियो जो है 5 बजे स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि बेल का आइकन दबा कर रखिए, 1:30 बजे वाली वीडियो नहीं हो पा रही है। फ्रेंड क्या है, कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है भाई, ठीक है ओके। मुझे लगता है या फिर यहाँ पर ब्रॉडबैंड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा जो है कनेक्शन यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। दिवाकर जी ऑप्शन आ रहा है 7.4, यहाँ पर आ गया 7.5, क्या रहेगा भाई ऑप्शन डी पांडे जी बिल्कुल सही है, 7.5 रहेगा। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2019 को रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया गया। चलिए देखते हैं किसका आंसर तो पहले आता है, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा भाई, कमेंट करिएगा क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या आएगा। ओके यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, PNB के साथ में। किसके बात किया, PNB के साथ में। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ओके सभी लोग बताएंगे भाई, ओके स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी जो है बैंक कौन सा है, स्वदेशी बैंक कौन सा, आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा। कोई और आंसर दे रहे हैं, PNB आ रहा है, लेकिन मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ स्वदेशी बैंक कौन सा था, हमारा भारत का सबसे पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था, ये मैंने आपको कल बताया था। चलिए PNB आ गया, बहुत अच्छी मान लीजिए, बहुत बढ़िया, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, अभी क्या है चाइना और अमेरिका के बीच में बिजनेस के लेकर क्राइसिस चल रहा है, बिजनेस के जो है बहुत चले बहुत बड़ी मुठभेड़ चल रही है उन लोगों में। अगर यहाँ पर हम फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ का कि हम बिजनेस का कॉरिडोर खोल दें, हम जो है बड़ी बड़ी जो उनकी जो अमेरिकाई कंपनी है या फिर बाहर की जो फॉरेनर कंपनी या फिर जो चाइना में काम करी थी कंपनी है उनको ऑफर दें कि भाई इंडिया में आप बिजनेस करिए, तो फ्रेंड्स हम जो होंगे नंबर 3 पे नहीं कहूँगा, नंबर 1 पे आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डेवलप हैं। और चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन आएगा 2025-2030, यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा 4 2030 तक। दिवाकर जी बिल्कुल सही, पांडे जी बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है, ओके ओके बिल्कुल दिवाकर जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस देश ने सुपर मार्केट में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा क्या रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं करा है, और करा भी है तो वो विफल रहा है, तो आंसर कमेंट करिए क्या रहने वाला। चलिए कमेंट करिए, इसराइल, जापान, चीन, चाइना, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, हमारे देश ने ऐसा करने की कोशिश करा है, प्रदेशों अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन ये विफल रहा है। लेकिन अब किसी एक देश ने ऐसा करा है तो यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा भाई ऑप्शन 5, साउथ कोरिया, बिल्कुल सही है भाई, मान लीजिए बहुत अच्छा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रणव आर मेहता ने 1 जनवरी 2019 से ग्लोबल सोलर काउंसिल यानी कि इसका GSC के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला है। ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइएगा, साउथ कोरिया आ गया है, पिछले क्वेश्चन का सही था। चलिए दिवाकर जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्त में, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, और किस किस ने कल का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था। चलिए ऑप्शन आ रहा दिवाकर जी, ऑप्शन आ रहा वर्लिन, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लेकिन क्या आएगा, वॉशिंगटन DC, बिल्कुल सही मानने जी, चलिए बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आप सभी से बोलूँगा भाई आंसर कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं निकल सकता। ओके चलिए अगला क्वेश्चन अब है हमारे पास आधुनिक इतिहास, ठीक है, क्या है आधुनिक इतिहास, अब आधुनिक इतिहास करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट। 1919 में दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन या फिर बोले खिलाफत आंदोलन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिएगा, 3 से 4 बार एग्जाम में आया है, चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। 1919 में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी, क्या रहेगा भैया, महात्मा गांधी को चुना गया खिलाफत आंदोलन। ओके बिल्कुल सही दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक में परिवर्तित हो गया, मतलब कि आपको बताने है, पहले क्रांतिकारी था फिर दार्शनिक में हुआ परिवर्तित हो गया है, फिलोसफर बन गया,
चलिए बताइएगा आप क्या है। पहले वो था कौन था भैया, क्रांतिकारी था, फिर वो बन गया है फिलोसफर। जो कौन सा आपको बताना है, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था, इनका नाम क्या था, देखते हैं किस किस का आंसर आता। सबसे पहले ऑप्शन आ गया मान लीजिए, ऑप्शन आ गया ए, वेरी गुड। ओके दिवाकर जी बोल रहे अरविंद, ओके अरविंद घोष बिल्कुल यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर, अरविंद घोष बिल्कुल सही दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके सामने। ओके सही क्रम को व्यवस्थित करना है, मतलब पहले में कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। पांडे जी बिल्कुल सही आंसर, चलिए कमेंट करेंगे क्या रहेगा, चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर, कमेंट करिए आंसर आता भाई। ओके यहाँ पर आंसर आना चाहिए भाई, क्या रहेगा यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि डी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है ऑप्शन आएगा वन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, ये सभी को पता होगा वैसे तो। किस वर्ष ब्रिटिश ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। और भारत की देखिए पहले तो देखिए ब्रिटिश सरकार की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, लेकिन उन्होंने चेंज कर दी दिल्ली में, ठीक है क्यों करी, क्योंकि वहाँ पर क्रांतिकारी बढ़ गए थे, ठीक है ऑप्शन आ रहा 1912 बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर 1911 रहेगा, क्या रहेगा भैया 1911 एग्जैक्टली जो रहेगा 1911 रहेगा, थर्ड बिल्कुल सही है पांडे जी, बहुत सही आंसर है 1911 रहेगा, 1912 नहीं है भाई 1911। अगर आपने यहाँ पर कहीं भी पढ़ा लेकिन वो एडिट कर लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा, अगर फिर भी गलत हो रहा है या फिर भी आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन कहाँ से गलत है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है कि भाई इसको सुधारिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये रहा, लेकिन हमारे हिसाब मेरे मेजर ये टेक्नोलॉजी है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेगा। ओके मान लीजिए बोल रहे आपने 1912 देखा है, चलिए मान लीजिए आपने ऐसा बोला है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है एग्जैक्टली जो है वो डेट मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी। आंसर कमेंट करिए दिवाकर जी, ऑप्शन बी वेरी गुड, पांडे जी ऑप्शन आ गए ए अच्छे बहुत बढ़िया, चलिए आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करते हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, यहाँ पर ये आएगा देकर सरोजनी नायडू, क्या आएगा भैया सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ओके दिवाकर जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी। गांधी जी ने आपको बतानी इनमें से कौन सी संस्था का जो स्थापना करी है, अगर इसमें से कोई भी संस्थान की नहीं करी, नहीं नन ऑफ दिस करी, अगर इसकी करी है किसी भी की भी करी तो आंसर कमेंट करिए। दिवाकर जी ऑप्शन सी आ गया वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होना चाहिए। 5 स्टूडेंट देख रहे हैं, मात्र 2-3 दो हैं स्टूडेंट का जो है कमेंट कर रहे हैं। भारती आ रहा है, विश्व भारती यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन रहेगा, फिनिक्स आश्रम की जो है करी थी। नहीं भाई मान में यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिनिक्स आश्रम की वो इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है ऑप्शन वन रहेगा बिल्कुल पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन क्रांतिकारियों में से किन्हें काकोरी केस के तहत फांसी की सजा नहीं दी गई, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, कमेंट करिए। काकोरी कांड जो था, काकोरी केस हुआ था, उसके तहत फांसी की सजा नहीं दी गई थी, ऑप्शन सी आ रहा है बहुत अच्छे। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, दिवाकर जी आपने डिलीट कर दिया, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। ओके बहुत अच्छे दिवाकर जी, सभी पांडे जी चलिए दोबारा से आंसर कमेंट करिए, चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल सही रहेगा, चंद्रशेखर आजाद दिवाकर जी बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा चंद्रशेखर मंडल जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वराज राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा फैलाया गया। चलिए आंसर दीजिए, स्वराज राष्ट्रीय मांग जो है किसके द्वारा फैलाई गई, किस क्रांतिकारी सेनानी के द्वारा फैलाई गई, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए कमेंट करिए भाई, इतना सारी हमने जो है इतिहास पढ़ रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बीरेन जी आपका स्वागत है ऑनलाइन सेशन में, दिवाकर जी ऑप्शन वन, बीरेन जी ऑप्शन वन, यहाँ पर आएगा वन बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है भाई, दादा भाई नौरोजी बीजी तिलक नहीं आएगा, मान लीजिए दादा भाई नौरोजी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था या नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, पांडे जी बिल्कुल सही था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितने लिखे, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन, यहाँ पर आंसर आएगा ओके ऑप्शन आएगा टू, क्या आएगा भाई लॉर्ड कर्जन, क्या आएगा भैया लॉर्ड कर्जन आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन नहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सॉरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑप्शन टू आएगा। बीरेन जी बिल्कुल सही, पांडे जी बिल्कुल सही, दिवाकर जी बिल्कुल सही है,
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये किसने करी आंसर बताना है। ओके, बफरिंग हो रही है दिवाकर जी, नहीं होगी बफरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बफरिंग नहीं हो रही है भाई। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या होगा। ओके एनीवन, बफरिंग हो रही है क्या, वीडियो बफरिंग हो रही है तो मुझे बताइए, अगर नहीं हो रही है तो कमेंट करिए। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या होगा। ओके बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आएगा सी आएगा, तारक नाथ दास। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1907 में इसकी स्थापना करी अमेरिका के तारक नाथ दास ने करी, अमेरिका के तारक नाथ दास ने करी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आ चुका है। चलिए कमेंट करेंगे क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से उर्दू कवि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि थे। चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा कमेंट करेंगे भाई, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। इसे शेयर करना जरूरी है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं, ठीक है। ओके चलिए कमेंट करिए आंसर आ रहा है, मानवी जी ऑप्शन ए, वेरी गुड मानवी जी, और बताइए। ओके पांडे जी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई, क्या आएगा ऑप्शन नंबर टू आएगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल, क्या आएगा भाई, मोहम्मद इकबाल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन था, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन कौन सा था, आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ओके बी ओके, चलिए दिवाकर जी कोई और आंसर बताएगा क्या रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 12 नंबर आपको ये बताना है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन कौन सा था, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ऑप्शन बी आया दिवाकर जी, एनीवन, सपन जी, मानवी जी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज कमेंट करिए और बताइए आंसर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, हाँ मानवी जी आंसर दीजिए। ओके दिवाकर जी आपका आंसर मैंने देख लिया, लेकिन मैं और भी स्ट्रेंथ से बोल रहा हूँ कि कमेंट करिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू रहेगा, बी रहेगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी रहेगा स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली क्यों स्थानांतरित करा। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसका मैं आंसर ही बता चुका हूँ, चलिए इसको बताइएगा। आपको ये बताने हैं, भारत जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने राजधानी थी पहले कोलकाता, फिर कर दी उन्होंने दिल्ली, ऐसा क्यों करा। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, कमेंट करिएगा। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड क्या रहेगा, कमेंट करिए भाई। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू, क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर टू रहेगा। कोलकाता में क्रांतिकारी जो थे वहाँ पर बढ़ गए थे, इसलिए जो है उनको क्या करना पड़ा, उनको मूव करना पड़ा, वहाँ पर आना पड़ा दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर अगला पूछ रहे हैं आपसे। 1924 में बेकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बेकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर बताना है फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा, बेकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा। चलिए आंसर दिए, पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है। फ्रेंड्स 6 स्टूडेंट देख रहे हैं, मात्र 3 या 4 स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। दिवाकर जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, क्या आएगा भाई, केशव मेनन, क्या आएगा भैया, केशव मेनन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया मेनन जी, बहुत अच्छे। भारत के किस वायसराय ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दिवाकर जी, इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के इस वायसराय ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। ओके ऑप्शन 1 आ गया, बहुत अच्छे पांडे जी। यहाँ पर आएगा लेकिन ऑप्शन 2, लॉर्ड कर्जन, किसने किया भैया, लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछ रहे हैं भैया, अब थोड़ा ब्लर कर रहा होगा लेकिन आपको थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ाना है, आंसर देना है भाई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर क्यों बनी। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ओके चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपको दिखेगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन से मुस्लिम नेता शामिल थे। चलिए आंसर दीजिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल, एनी बेसेंट ने दिया होम रूल जो है स्थापित किया। चलिए इसमें कौन कौन से मुस्लिम नेता शामिल थे, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहने वाला। सीमा जी वेरी गुड इवनिंग,
चलिए अगला क्वेश्चन है दीनानाथ जी, चलिए आंसर दीजिएगा। दिवाकर जी आंसर कमेंट करिए क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा, चलिए बताइए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। देखते हैं किसका आंसर से पहले आता है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, कौन सा मिलता है भाई मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह, बिल्कुल चलिए किसने कहा 1857 का विद्रोह ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था, आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा 17 का बी। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर देंगे भाई क्या रहेगा, चलिए कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन है, वेरी गुड दिवाकर जी। एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या रहेगा भैया आर सी मजूमदार, ऑप्शन रहेगा सी आर सी मजूमदार। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे नोआखली, क्या पूछा है नोआखली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, नोआखली जो है वो किस स्थान पर, आंसर कमेंट करिएगा दिवाकर जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दिया मनमीत जी, बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड था भाई दिए के बिल्कुल दीनानाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल सही था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नोआखली निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, सीमा जी पिछले क्वेश्चन का सही था, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहेगा, ये आएगा आपका ऑप्शन टू बांग्लादेश में, नोआखली दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक जिला है, ठीक है ये चटगांव डिवीजन में स्थित है, ये ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा टू, ठीक है पांडे जी बिल्कुल सही। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 19 का बी बिल्कुल दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशक क्या उपनिवेशक है, प्राधिकरणों के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए कौन था, कमेंट करेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आया, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया तो ऑप्शन आएगा 20 का बी। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक, ऐसा क्यों बाल गंगाधर तिलक क्यों भाई, क्योंकि देखिए बाल गंगाधर तिलक क्या थे, भारतीय राष्ट्रवादी थे, पत्रकार थे, समाज सुधारक थे, वकील थे और एक स्वतंत्रता संग्रामी यानी कि स्वतंत्रता के लिए कार्य करते थे, ऑप्शन आएगा कौन कह रहेगा बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर बहुत बड़ा उनके लिए एक मोड बन जाता था, चैलेंज बन जाता था भाई क्या बाल गंगाधर तिलक जो थे एक वकील भी थे, पत्रकार भी थे, समाज सुधारक भी थे और ये क्रांतिकारी भी थी, ठीक है इसलिए इनको बहुत दिक्कत आती है अंग्रेजों को इनके लिए इनसे लड़ने के लिए, बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन सीमाई, चलिए अगला क्वेश्चन है कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीफोन लाइन किस वर्ष शुरू करी गई, चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई आंसर दीजिए, एग्जाम हमारा पास में आ रहा है, हमारे पास एक महीना है लगभग दिवाकर जी ऑप्शन आएगा 1854 में, ओके लेकिन आएगा ऑप्शन टू आएगा भाई 1853, ऑप्शन टू आएगा किसी का 1853, देखिए ब्रिटिश भारत ओके 1853 आएगा भाई 1853 बिल्कुल सही है, मान लीजिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए पूछा है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए कैबिनेट मिशन का हेड कौन थे, आंसर दीजिएगा ऑप्शन बिल्कुल सही है दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करने के बाद इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके 22वां नंबर ऑप्शन सी मान लीजिए बिल्कुल, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या रहेगा भैया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बिल्कुल दिवाकर जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। ओके ऑप्शन सी रहेगा, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके यहाँ पर 1 2 3 ये ऑर्डर है ना, ये थोड़ा सा ऑर्डर ये है ना 1 2 3 ठीक है 1 2 3 ये कर लीजिएगा, ठीक है ये कर लीजिएगा 1 2 3 ठीक है, ये 1 2 3 में है वो अलग लिख किया है, ठीक है 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, लिस्ट वन और लिस्ट टू दी है हमें, क्या दिया है लिस्ट वन और लिस्ट टू दी है, तो लिस्ट वन में क्या है हमें दिए हैं, हमें सन दी हैं, ईस्वी दी हुई हैं और एक साइड दिए हैं कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है ये हमें मैच करना है 1 2 3 4 का आंसर देना है, कमेंट करिए क्या रहेगा कौन सा युद्ध कब हुआ, चलिए आंसर दीजिएगा देखते हैं कौन आंसर कमेंट करता है। अब आ गए हम इतिहास में, थोड़ा सा जो है मॉडर्न हिस्ट्री सी, अब थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा पीछे चले गए हैं, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, चलिए आंसर दीजिए भाई क्या रहेगा, 6 स्टूडेंट देख रहे हैं फ्रेंड सभी से बोलूंगा भाई चलिए आंसर कमेंट करिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा क्या रहेगा पहले का पहला, ठीक है 1775 में 1757 हुआ प्लासी का युद्ध, ठीक है ओके, फिर
जो आपका यानी कि बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा आपका बी का थर्ड, यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है, यानी कि सी ऑप्शन जो, यानी कि सी ऑप्शन फोर, यानी कि पोरबंदर का जो संधि हुई वो ही 1776 में। उसके बाद बचा है डी, 1782 में हुई। क्या हुई 1782 में? सलवाई की संधि। ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा भैया? ऑप्शन रहेगा टू, बिल्कुल सही है। पांडे जी, दिवाकर जी बिल्कुल सही, सीमा जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा है। ICS में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज ICS में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? इस टाइम की ICS का मतलब, ICS जो होता था बहुत बड़ा विभाग होता था, ठीक है। चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा, ये एक सिविल सेवा होती थी। चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा। ओके दिवाकर जी, ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए। चलिए आंसर कमेंट करेंगे भाई। ओके टैंगोर, रविन्द्रनाथ टैंगोर आ रहा है, बहुत अच्छे। पांडे जी, सीमा जी, चलिए सभी लोग ऑप्शन ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही रहेगा। ये रहेगा सत्येंद्र नाथ टैंगोर, ठीक है। क्या रहेगा भैया? सत्येंद्र नाथ टैंगोर रहेगा, बिल्कुल। रविन्द्रनाथ टैंगोर बिल्कुल सही है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऑप्शन आएगा आपके पास। ओके बिल्कुल सही दीनानाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। किस गवर्नर जनरल को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना था? भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ऑप्शन आएगा वन, वेरी गुड। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। चलिए आंसर दीजिए। आंसर रहेगा वन, क्या रहेगा? वन रहेगा, ठीक है। यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस, क्या रहेगा भैया? लॉर्ड कर्नवालिस रहेगा। ऑप्शन रहेगा मानवी जी बिल्कुल सही, पांडे जी बिल्कुल सही है, सीमा जी बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप सबसे मैं बोलूँगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। टाइमिंग जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लास्ट नेक्स्ट वीडियो का आपको दिख ही रहा है, राइट कॉर्नर पर दिख ही रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एटली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, चलिए एक फैक्ट पूछते हैं, मैं आपसे एक फैक्ट पूछता हूँ, भारत आज़ाद क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए ये नहीं है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, हमारे पास आंदोलन हुई, भारत ने बहुत सारे आंदोलन करे, ठीक है। महात्मा गांधी ने लड़ा, आज़ाद सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, जो मतलब बहुत सारे क्रांति करते, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एक फैक्ट था जो हमें ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर रहेगा वन, एटली करेगा, एटली रहेगा। जब एटली जो थे प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में, एक्चुअल में क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो दिक्कत क्या हुई, उनके पास जो सेना थी वो पूरी खत्म हो गई, लगभग लगभग सभी खत्म हो गई। तो जो इंडिया में, जो भारत में सेना थी वो उन्होंने मंगाई, और उन्होंने बोला कि अब इतना हमारे पास सेना नहीं है कि हम भारत पर भी जो है राज कर पाए, ठीक है। इतना था नहीं उनके पास, अगर वो बुला भी लेते, आधी बुला लेते, आधी रह पाती, तो फ्रेंड वैसे भी वो चली ही जाती, ठीक है, मतलब कि खत्म ही हो जाती, क्योंकि अब भारत जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था, ठीक है। क्योंकि हर दिन जो है क्रांतिकारी, कोई ना कोई नया क्रांतिकारी बनता जा रहा था, ठीक है, नए नए आंदोलन हो रहे थे। महात्मा गांधी ने मतलब बहुत सारी चीज़ें करी दी थी, कोई बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे जो है जवाहरलाल नेहरू भी उस टाइम आ गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है? चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा। आंसर को कमेंट करिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़िएगा, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन पढ़िएगा, कौन सा सही है, तीन गलत है भाई, एक सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 7 स्टूडेंट देख रहे हैं, और कमेंट करेंगे सातों के साथ और बताएंगे क्या रहेगा आंसर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ऑप्शन रहेगा सी, वेरी गुड। एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ओके यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर टू, गलत है। कौन सा गलत है भाई? ऑप्शन टू गलत है, बी ऑप्शन, सीमा जी बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। दिवाकर जी ऑप्शन बी, वेरी गुड, यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है? सही है, ठीक है, सही कौन सा है आंसर दीजिएगा। इसमें आपको तीन गलत मिलेंगे, एक सही मिलेगा। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड, क्या रहेगा? दिवाकर जी चलिए बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिएगा। दीना आंसर दीजिए, मानवी जी आंसर कमेंट करिए, सीमा जी आंसर कमेंट करिए। 7 स्टूडेंट देख रहे हैं, मात्र 3 से 4 लोग ही कमेंट कर रहे हैं। मैं सभी से बोलूँगा भाई आंसर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, से शेयर करना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें, अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई, मुझे अच्छा लगेगा भाई, हाँ कोई मेरी मेहनत का थोड़ा बहुत फल तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो देखा जाए कि थोड़ा कम ही फल मिल रहा है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, सीमा जी ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत अच्छे, मानवीय ऑप्शन वन आ रहा है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, ये जो है क्या है, सही है। थर्ड मतलब कि यहाँ पर है राजा राधाकांत देव जो है सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था इन्होंने, ऑप्शन रहेगा सी, बिल्कुल सही दिवाकर जी, बहुत अच्छे।
यहाँ पर रहेगा दिवाकर जी भोसले, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, उनके कलानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में निम्नलिखित को पुनर्व्यवस्थित करिए। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। फ्रेंड्स क्या रहेगा, इनको जो है व्यवस्थित करना है, मतलब सभी के सभी जितने जो जो भी आपका जो विभाजन हुए उनको विभाजनों को, और जो मुस्लिम लीग हुआ या संधि हुई कोई सी, उनको क्या है आपको एक ऑर्डर में लगाना है। सही ऑर्डर में लगाइए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। चलिए आंसर दीजिएगा, पॉइंट डी ऑप्शन थर्ड आ रहा है, देखिए बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आंसर दीजिएगा सीमा जी, ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू, आएगा टू आएगा पहले बी ऑप्शन आएगा बंगाल विभाजन, फिर आएगा यहाँ पर मुस्लिम लीग, फिर आएगा सूरत विभाजन, फिर आएगा लखनऊ संधि, ठीक है। चलिए ऑप्शन देगा टू बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे पहले कर सीमा जी ने, बहुत सही आंसर है। दिवाकर जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ये आपके सामने, विवेकानंद का नाम द्वारा दिया गया, विवेकानंद का जो है नाम किसके द्वारा दिया गया, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या रहेगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर से पहले आता है, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। 29 का चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 31 का पांडे जी चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके महाराजा खतरिया, ओके यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर टू महाराजा, ओके यहाँ पर रहेगा महाराजा खेतड़ी का, खेतड़ी के महाराज क्या रहेंगे भाई, खेतड़ी के महाराज बोलेंगे, बिल्कुल मान लीजिए ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, दिवाकर जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, शानदार विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है, रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर, आंसर कमेंट करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बिल्कुल था, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है, किस किसका आंसर आता है, सबसे पहले देखते हैं, चलिए कमेंट करिए फ्रेंड क्या रहेगा। ओके ओके मान लीजिए ऑप्शन आ गया कन्याकुमारी, वेरी गुड एनी वन, यहाँ पर ऑप्शन वो टू आ रहा है लेकिन ऑप्शन आएगा यहाँ पर वन, कन्याकुमारी बिल्कुल सही है मान लीजिए दीनानाथ जी, बिल्कुल सही हो। फ्रेंड अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा शेयर नहीं करा, लाइक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड नोटिफिकेशन दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दबाएंगे तभी तो आपको जो है नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आज नहीं मिला हो कई लोगों को क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाते तो 5 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद की माँ का नाम क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विवेकानंद की माँ का नाम क्या था, एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा जाता है, अभी भी हो सकता है एग्जाम को टफ बनाने के लिए, आपको ये 3-4 साल से नहीं पूछा जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, आप वो क्वेश्चन जो आपको याद हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। वो कठिन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन कठिन या सरल नहीं होता, वो होता कठिन कैसे, वो आपने नहीं पढ़ा तो कठिन है, आपने अगर उसको पढ़ा है तो वो सरल हो गया। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, मतलब कि भुवनेश्वरी देवी, ऑप्शन रहेगा थर्ड भुवनेश्वरी, याद रखिएगा ऑप्शन रहेगा टू दीनानाथ जी, ऑप्शन टू रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। दिवाकर जी बहुत अच्छे, आज मुझे अच्छा लगा कि दिवाकर जी बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक्चुअल में क्या, दिवाकर जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आप आंसर कमेंट करेंगे, सही हो गलत हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे, एटलीस्ट अगर हम ट्राई करें यहाँ पर, हम ट्राई करें प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे होंगे, एग्जाम में वहाँ पर जाकर आप अच्छे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे तो रेगुलर ट्राई करिए, ठीक है। पांडे ऑप्शन वन, वेरी गुड, और पांडे जी ऑप्शन वन आया वैसे तो, ओके मानवी ऑप्शन वन आया है, बहुत अच्छे। यहाँ पर आएगा क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा वन श्री रामकृष्ण, क्या रहेगा भाई, श्री रामकृष्ण जो थे इनके गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विश्व का दूसरा धर्म संसद किस वर्ष पेरिस में आयोजित किया गया, विश्व का दूसरा धर्म जो है धर्म संसद किस वर्ष पेरिस में आयोजित किया गया, दूसरा जो है कहाँ पर किया गया, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दी भाई पेरिस में किया गया, लेकिन किस वर्ष किया गया ये आपको बताना है दीनानाथ जी, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए कौन कौन आंसर देता है, देखते हैं किसका आंसर आता है। ओके दीनानाथ जी ऑप्शन आ गया, दिवाकर जी ऑप्शन आ गया यहाँ पर 35 का 18, ओके बिल्कुल। अब मान लीजिए बोल रहे हैं ऑप्शन आएगा 1901, तो भैया बिल्कुल सही है 1901 में हुआ, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, मान लीजिए बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चलिए आंसर दीजिएगा, किसने वैकल्पिक हरित जो है परिवहन ईंधन के रूप में कंपोस्ट बायोगैस प्रोत्साहित करने के लिए सतत पहल लॉन्च किया, किसने करी, आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा। ये पहल जो है किसने जो है करी है, इसका पूरा नाम है सतत पहल जो है किसने करी। चलिए हमें कमेंट करिए फ्रेंड क्या रहेगा, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू बी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, बहुत बढ़िया आंसर था, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मान लीजिए दिवाकर जी को सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसको आईसीआईसीआई बैंक के
सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन पिछले का बी था। चलिए इस क्वेश्चन बताइए सीमा जी क्या रहेगा, देखते किस किस का आंसर आता है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई। ओके दिवाकर जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। यहाँ पर आ रहा ऑप्शन वन, यहाँ पर कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होगा। ओके संदीप जी, संदीप आ रहे हैं। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन आएगा, संदीप बख्शी, बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया, यहाँ पर दिवाकर जी बिल्कुल सही, मानवी बिल्कुल सही, दिनानंद जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 के अनुसार कौन लगातार 11वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय के रूप में उभरे हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो है 11वें बार सबसे बड़े जो हैं भारतीय के रूप में उभरे हैं। ये जो है क्वेश्चन आया चुका है एग्जाम में, अभी नहीं आया लेकिन पहले भी आया है। ओके आ गया मुकेश अंबानी, बहुत अच्छे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये नाना जी। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, दीपक जी बिल्कुल, सीमा जी बिल्कुल सही, मुकेश जी बिल्कुल, मुकेश अंबानी है, मानवी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देशों के अनुपालन ना करने, ठीक है, के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना किसने लगाया, पंकज जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और अगली वीडियो भी 9 बजे, ठीक है, पांडे ऑप्शन डी, वेरी गुड। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पता ही, आईसीआई आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्या आएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन 4 रहेगा बिल्कुल सही है भाई पांडे जी। चलिए बिल्कुल सही, दीनानाथ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा फेडरल बैंक, अगर फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस शहर में बिल्कुल सही मानूंगी, किस शहर में 31वें अखिल भारतीय रेलवे शतरंज टूर्नामेंट में आयोजित हुए थे। चलिए आंसर कमेंट करिए, किस शहर में आयोजित किए गए, आंसर बताएंगे बहन कभी, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करिए भाई क्या होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आंसर दीजिएगा। और सुबह सुबह भी वीडियो होती है, 10 बजे से हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए। ओके पंकज जी ऑप्शन 5 आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई, त्रिची तमिलनाडु, कहाँ पर किया गया, त्रिची में तमिलनाडु में, ठीक है ऑप्शन रहेगा 2, ऑप्शन रहेगा 3, ठीक है थर्ड रहेगा भाई, थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल किस खेल को खेलते हैं, कमेंट करिएगा, दिवाकर जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये स्कूबा डाइवर हैं, क्या भाई स्कूबा डाइवर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, दीना जी बिल्कुल सही, किसे भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिएगा। सीमा जी पिछले क्वेश्चन का बी था, पंकज जी बिल्कुल सही है, सुमन पांडे जी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुरक्षा सलाहकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार कौन है ये बताइएगा, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार कौन है। ओके ऑप्शन आ रहा है थर्ड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 5 RN रवि, क्या आएगा भाई, ये ऑप्शन आएगा 4, 5 आएगा भाई, RN रवि हैं अभी इस समय, ठीक है रहेगा ऑप्शन 5, ठीक है। और कोई दिक्कत तो इस क्वेश्चन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, पृथ्वी शॉ किस खेल संबंधित, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, अभी जो है राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं वो कौन है भैया, अजीत डोभाल हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति की हमने बात करी, ओके माननीय ऑप्शन आ गया क्रिकेट, बहुत अच्छे। एनीवन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, कल जो था पाकिस्तान और भारत का मैच था, भारत जीत गया 89 रन से, बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर दीजिएगा, ललिता मीना जी ऑप्शन आ रहा है क्रिकेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये रहेगा, क्रिकेट से है ऑप्शन डी बिल्कुल सभी का सही है भाई, सभी का सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ यानी कि IEEE, ठीक है क्या, इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और विश्व अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। सबसे पहले कमेंट करिएगा क्या रहेगा भैया, IEEE के अध्यक्ष और विश्व अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, कार्यभार इन्होंने संभाला है। चलिए कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन का आंसर आता है। सबसे पहले कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल मान लीजिए, यहाँ पर रहेगा डी यानी कि श्रीनिवास के स्वामी, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, भारतीय और किस देश के तटरक्षक के बीच एक संयुक्त अभ्यास यानी कि इसका बोलेंगे संयुक्त अभ्यास कौन सा, सीमा जी दीपाकर जी बिल्कुल सही है, संयुक्त अभ्यास कौन सा भैया, सहयोग HOP@SEA 2018 चेन्नई के तट पर
बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। चलिए आंसर देना है आपको, ये बताना है बस से किसके साथ में किया गया, आंसर बताइएगा। HOPTAC 2018 जो है ये किसके साथ में जो है अभ्यास किया, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई। दिवाकर जी ऑप्शन 5 आ गया है, बी आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडे जी बिल्कुल सही है, क्या आएगा, वियतनाम के साथ में किया अभ्यास, बिल्कुल दिवाकर जी, बहुत गिनाना जी, बिल्कुल ओके बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा हमसे, राजेंद्र शाह को हाल ही में देखिए सॉरी राजेंद्र शाह का हाल ही में निधन हो गया है, वह 68 वर्ष के थे, वह किस खेल से संबंधित है, आंसर कमेंट करिए। आपको बताने राजेंद्र शाह जो है वो किस खेल को खेलते थे, आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं सभी से बोलूँगा 9 बजे वाली वीडियो इससे अच्छी रहेगी और इससे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, सारी वीडियोज़ में अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैं आप सभी से बोलता हूँ कि भाई डेली रेगुलर अगर वीडियो आप अटेंड करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग है, शेड्यूल है, सारा चीज़ें हैं और सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट लिखी है, तो आप वहाँ से अगर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये रहेगा क्रिकेटर थे, भैया कहते हैं क्रिकेटर थे, ऑप्शन थर्ड दीना जी बिल्कुल सही है, ललिता जी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा थर्ड, क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको पूछा गया विक्रम मिश्रा को, ठीक है विक्रम मिश्रा को कहाँ के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, बताइएगा विक्रम मिश्रा जो थे वो कहाँ के राजदूत बना दिए गए हैं, कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए देखते हैं सब लोगों को आंसर दिखे, ओके ललिता जी ऑप्शन आएगा थर्ड, बहुत बढ़िया। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, यहाँ पर बोला है फिनलैंड, बोल रहे हैं ललिता जी, आपका आंसर क्या रहेगा ललिता, ओके दिवाकर जी, दिनाना जी, स्वपन जी, मानु जी और सीमा जी, चलिए आंसर कमेंट करिए भाई, बहुत देर से सीमा जी ने आंसर कमेंट नहीं करा है, लगता है वो चले गए, ठीक है ओके। मान लीजिए ऑप्शन सी आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई, क्या रहेगा 4 रहेगा, ये चीन के राजदूत बनी है, ठीक है विक्रम मिश्रा जो है वो चीन के राजदूत बने हैं, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, मनोहर सिंह जडेजा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये बताना है, मनोहर सिंह जडेजा का हाल ही में निधन हुआ है, आपको ये बताने किस राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थे, आंसर कमेंट करिएगा। अभी जो वित्त मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं पहले थी निर्मला सीतारमण, कौन थी जो आपको मतलब से पहले थी ये डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, लेकिन अब बन गई फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ओके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, ओके आंध्र प्रदेश आंसर आ रहा है, माननी वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या होने वाला है। और फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से मैं बोलूँगा अगर वीडियो आप पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, 9 बजे वाली वीडियो भी देखिएगा। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, बिल्कुल सही रहेगा भैया गुजरात रहेगा, किसी ने आंसर करा गुजरात नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसने जोधपुर स्थित कोणार्क स्टेडियम में पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया, किसने किया, चलिए आंसर दीजिएगा दिवाकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या रहेगा, आपको ये बताने जोधपुर में स्थित है कोणार्क स्टेडियम, उसमें जो पर्व मनाया गया कौन सा पर्व का नाम है पराक्रम पर्व, अब इसका उद्घाटन किसने किया है, आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर आता है, सबसे पहले देखते हैं किस का आंसर आएगा, चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा भाई क्या रहेगा, ओके मान लीजिए ऑप्शन आ गया ए, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लेकिन क्या आएगा भैया 4 आएगा, नरेंद्र मोदी ने करा, किसने करा भैया नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया, PTI के अध्यक्ष कौन है, आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, चलिए आंसर दीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको, ये आप एक्सपेक्ट छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए कि भैया आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 30% ईजी आएगा, ठीक है 20% के लगभग लगभग मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है उसके बाद बचे हुए हैं वो मतलब थोड़े बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे कभी ना कभी, लेकिन ऐसा छोड़ दिए। अब एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आ चुके इजी लेवल के, नहीं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है पांडे जी ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड। सीमा जी ऑप्शन वे, यहाँ पर आएगा थर्ड, क्या आएगा भैया थर्ड आएगा एन रवि, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन थर्ड पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसको रेलवे सुरक्षा यानी कि RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब DG यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होने वाला क्वेश्चन का आंसर, देखने कौन कौन आंसर कमेंट करता है भाई, चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, ओके यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या आएगा अरुण कुमार, क्या आएगा भाई अरुण कुमार आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने
वैश्विक व्यापार परिदृश्य, ऑप्शन ओके बिल्कुल, चलिए वैश्विक परिदृश्य में चल रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए अवसरों और तरीकों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार जो समूह यानी कि बोलेंगे इसको HLAG का गठन की मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? HLAG के अध्यक्ष कौन है ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किसका आंसर आता है। कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करेगा भाई। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ये सुरजीत भल्ला रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? सुरजीत भल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने, अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहने वाला है। चलिए आंसर दीजिएगा पांडे जी, ऑप्शन 2 आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंटेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 है पांडे जी, चलिए आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, और देखते हैं किस किसका आंसर सबसे पहले आता है। ओके यहाँ पर आंसर आएगा भाई, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये किस खेल से थे? वह तीरंदाज थे, ऑप्शन 4 रहेगा, आर्चरी बिल्कुल सही है, तीरंदाज थे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर पूछेगा, किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए नियुक्त चुना गया? चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन कमेंट करिए, पिछले क्वेश्चन का 4 था निवादीना जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, आपसे पूछेगा किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया, आंसर कमेंट करिए और क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किसका आंसर आता है भाई। चलिए कमेंट करिए क्या रहने वाला है क्वेश्चन का आंसर, सही है आंसर कमेंट करिए भाई, दीनाथ जी ऑप्शन 1 वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। DRS सीमा जी ऑप्शन आएगा डी बिल्कुल सही रहेगा, लीलमा मिंजा क्या रहेगा, लीलमा मिंज बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन आएगा डी सीमा जी बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन भैया ये आपने नाम सुना, लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है, वह किस देश से? लुइस हैमिल्टन किस देश से, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, ये टेनिस खेल के आंसर कमेंट करिए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चलिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई। कितनी स्लाइड है पढ़ ली हमने, 130 से आ गए हैं 247 पर, लगभग 110-115 स्लाइड्स हमने पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। ठीक है ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये UK से हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका नहीं अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ओके क्या रहेगा भैया, ओके इसके बाद लास्ट रहेगा, इसके बाद सेकेंड लास्ट रहेगा, किस राज्य सरकार ने जल आपूर्ति अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में पुर्तगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि AMU किया है? चलिए आंसर दीजिए, किस प्रदेश ने किया है ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ऑप्शन आएगा थर्ड बिल्कुल बहुत बढ़िया, सपन पांडे जी, दिवाकर जी बहुत बढ़िया, गोवा बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही है गोवा बिल्कुल सही है, सीमा जी बिल्कुल सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और आप सभी से मैं बोलूंगा कि आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए शेयर कीजिए, वीडियो का स्टैंडर्ड कैसा था, सिंपल क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे, या आपको ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन थे? ठीक है ओके हमने स्पीड में करेंगे क्वेश्चन थोड़े, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़े से क्वेश्चन जल्दी स्किप हो गए हैं, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिए। संयुक्त भारत USA सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास इसका नाम है, पहली यह बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो अभी पूछा जाएगा आपसे ये कंफ्यूज करेगा, संयुक्त भारत और जुई जो होता है इनका जो अभ्यास होता है उसका नाम ही रहता है युद्ध अभ्यास, क्या रहता है इनका नाम ही रहता है युद्ध अभ्यास। अब इसका संस्करण आपको बताना है, ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ, अभी जो हुआ 2019 में उत्तराखंड में हुआ, चौबातिया में हुआ, कहाँ पर चौबातिया में हुआ। ठीक है ऑप्शन आ रहा थर्ड, ऑप्शन आ रहा थर्ड, ऑप्शन बी आ रहा है शिवाजी, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 5, यह 14वें नंबर का संस्करण था, कौन सा था 14 नंबर का। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेगा शेयर कीजिएगा, 14वें नंबर का भाई, 5 नंबर आएगा दीनाना जी के। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे 9 बजे एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए फ्रेंड्स और रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स, माधवी जी थैंक यू। चलिए आंसर अगला, ओके अब 9 बजे मिलेंगे।